हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टैनो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मिडियल सेम सर्कल। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी वर्ड के मिडिल में डब्लू आता है तो हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चैप्टर 5 में हमने डब्लू के यूजेज के बारे में पढ़ा था कि जब डब्लू अगर इनिशियली आता है किसी वर्ड में तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, उसके बारे में मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। चैप्टर में ये रूल था कि अगर कहीं पर के, गे, एम या आर आता है, डब्लू जो है वो इनिशियल आता है, मीन्स सबसे पहले डब्लू आता है, उसके बाद के, गे, एम या फिर आर आता है, उस केस में हम इसको किस तरह से लिखेंगे। उस केस में हम डब्लू के फुल स्ट्रोक को यूज़ ना करके एक राइट सेमी सर्कल को यूज़ करेंगे। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है वेक तो हम इस तरह से राइट सेमी सर्कल एंड के, वे डब्ल्यू ए के ई, ओके, वेक। अगर हमें लिखना था विग तो इस तरह से लिखते थे विग, ओके। अगर लिखना है वोर तो इस तरह से, अगर लिखना है वूम तो ये तो है इनिशियली किस तरह से हम डब्लू को यूज़ करेंगे। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी वर्ड में डब्लू मिड में आता है, मीन्स मिडल में अगर डब्लू आता है तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस चैप्टर में हम टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लेफ्ट सेमी सर्कल एंड सेकेंड वन इज राइट सेमी सर्कल। ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लेफ्ट सेमी सर्कल के बारे में। लेफ्ट सेमी सर्कल इज रिटन इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड टू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ वे प्लस आ, वे प्लस ए एंड वे प्लस ई और शॉर्ट वॉवल साउंड्स अकॉर्डिंगली अबव। ओके, इस पॉइंट में क्या है कि लेफ्ट सेमी सर्कल को हम तब यूज़ करेंगे जब किसी वर्ड के बीच में डॉट वॉवल साउंड आएगा। डॉट वॉवल साउंड में लॉन्ग वॉवल साउंड और शॉर्ट वॉवल साउंड होते हैं। लॉन्ग वॉवल साउंड्स में आ, ए और ई, शॉर्ट वॉवल साउंड में ए, ए एंड ई, ओके, ये आएंगे। तो इन वॉवल साउंड्स में से कोई भी अगर किसी वर्ड के मिडिल में आती है तो हमें डब्लू को एक लेफ्ट सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें डब्लू जो है वो वर्ड के मिडिल में आया है और डब्लू के बाद में एक डॉट वॉवल है जो कि लॉन्ग वॉवल साउंड है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि हमें डब्लू को एक लेफ्ट सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हार्डवेयर, ओके। अब डब्लू को हमने स्किप कर दिया क्योंकि W को हम एक सेमी सर्कल से, लेफ्ट सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको किस प्लेस पर लगाएंगे? W के बाद में जो A है ये सेकंड प्लेस का वॉवल है, तो जो W के बाद में जिस प्लेस का भी वॉवल होगा उसी प्लेस पर हम W के लेफ्ट सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब A का वॉवल है सेकंड प्लेस का है, सो दैट हम लेफ्ट सेमी सर्कल को क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। ओके, अगर हमें लिखना है सी वीट तो इसमें डब्लू के बाद में लॉन्ग वॉवल साउंड आ रहा है, ई का वॉवल आ रहा है, तो हम इसको डॉट वॉवल है इसलिए हम लेफ्ट सेमी सर्कल यूज करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे? सी और डी, ओके, सी। डब्लू जो है वो थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ई का वॉवल जो है वो थर्ड प्लेस का है, तो डब्लू के बाद का जो वॉवल होता है उसी के अकॉर्डिंग हम डब्लू के सेमी सर्कल को प्लेस करते हैं। ये थर्ड प्लेस का है तो इसीलिए हम इसको थर्ड प्लेस पर प्लेस करेंगे। ये हो गया सी वीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज राइट सेमी सर्कल। अ राइट सेमी सर्कल इज रिटन इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड टू रिप्रेजेंट द साउंड्स डब्लू प्लस अ और ओ, डब्लू प्लस ओ और अ, डब्लू प्लस ऊ और ऊ, मीन्स लॉन्ग वॉवल साउंड्स एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स
लॉन्ग वोवल साउंड्स में अ ओ और उ, शॉर्ट वोवल साउंड्स में ओ अ और उ. ओके, अब इस पॉइंट में है कि राइट सेमी सर्कल को हम यूज कब करते हैं. जब किसी वर्ड के मिडिल में डब्लू आता है और डब्लू के जस्ट आफ्टर कोई डैश वोवल साउंड आता है, चाहे वो लॉन्ग वोवल साउंड हो या फिर शॉर्ट वोवल साउंड हो. ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये राइट सेमी सर्कल को यूज़ करते हैं डब्लू को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल सी वर्ड. सी वर्ड में क्या है कि डब्लू जो है वो वर्ड के मिडिल में आ रहा है और डब्लू के जस्ट आफ्टर ओ का वोवल आ रहा है जो कि डैश वोवल है और लॉन्ग वोवल साउंड है. ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है, जैसा कि अबव मेंशन पॉइंट में है कि हमें राइट सेमी सर्कल को इस कंडीशन में यूज़ करना है, तो किस तरह से लिखेंगे हम इसे, सी एंड वर्ड. ओके, ई का वॉवल लगाया एंड और जो है वो फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो इसलिए जो डब्लू के जस्ट आफ्टर वॉवल आता है उसी वॉवल का जो प्लेस होता है उस जगह पर हम डब्लू के सेमी सर्कल को प्लेस करते हैं. जैसे फर्स्ट प्लेस का है तो हमने राइट सेमी सर्कल को फर्स्ट प्लेस पर ही प्लेस किया. अब ये हो गया सी वर्ड. ओके, सी वर्ड. अगर हमें लिखना है वर्ड्स वर्थ, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, वर्ड्स वर्थ. ओके, वर्ड्स ये हो गया एंड ये अ डब्लू के जस्ट आफ्टर जो वॉवल आ रहा है वो अ को साउंड कर रहा है. ओके, तो इसलिए इसको सेकंड प्लेस का वॉवल है, इसलिए जो राइट सेमी सर्कल है उसको हम इस जगह पर इस तरह से प्लेस करेंगे. ये हो गया वर्ड्स वर्थ. ओके, एक सिंपल सा रूल है इन सेमी सर्कल को समझने के लिए कि हमें कब राइट सेमी सर्कल यूज़ करना है और कब हमें लेफ्ट सेमी सर्कल को यूज़ करना है. क्या है कि अगर किसी वर्ड के मिडिल में डब्लू आ रहा है उसके जस्ट आफ्टर कोई डॉट वॉवल साउंड आ रहा है, अब डॉट वॉवल साउंड में चाहे वो लॉन्ग वॉवल साउंड हो चाहे शॉर्ट वॉवल साउंड हो, तो उस केस में हमें क्या करना है कि लेफ्ट सेमी सर्कल यूज़ करना है. और अगर किसी वर्ड के मिडिल में डब्लू के जस्ट आफ्टर कोई डैश वॉवल साउंड आ रहा है, चाहे वो लॉन्ग वॉवल साउंड में हो चाहे शॉर्ट वॉवल साउंड में, तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें राइट सेमी सर्कल को यूज़ करना है डब्लू को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, अगर हमें लिखना है क्वालिटी, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे. अब इसमें डब्लू साउंड कर रहा है और उसके बाद में ओ का वॉवल साउंड आ रहा है जो कि डैश वॉवल है और लॉन्ग वॉवल साउंड है. क्या है कि जो ओ वॉवल साउंड है वो के और एल के बीच में है. ओके, के बाद में है और एल से पहले है, तो इस केस में हम इसको क्या करेंगे, बिगनिंग में प्लेस करेंगे राइट सेमी सर्कल को. किस तरह से, सबसे पहले के को रीड करेंगे, फिर ओ को कॉ, फिर एल और इटी क्वालिटी. ओके, क्वालिफाई, तो इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे के एल एंड एफ आई. ओके, इसको भी हम बिगनिंग में लगाएंगे राइट सेमी सर्कल को, जो कि सेम यही रूल है. तो इसको किस तरह से रीड करेंगे, क्वा ली फाई. ओके, क्वालिफाई. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.